हम आ गए हैं दिल्ली, और दिल्ली में अभी हम हैं जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पे। हम लोग जा रहे हैं जामा मस्जिद। सो दिखाते हैं आप लोगों को जामा मस्जिद कैसा है, गलियाँ कैसी हैं, दिल्ली कैसा है। चांदनी चौक, और चांदनी चौक अकॉर्डिंग टू टाइम मॉडर्नाइज हो गया है, काफ़ी अच्छा हो गया भाई। हाँ जी, तो अभी हम अंदर वाली गलियों में भी जाकर आए हैं थोड़ा सा। उधर पुराने वाला माहौल ही है, जैसी गलियां दिल्ली 6 में होती थी, फोटो वीडियो में देखा है हमने, जैसे पुरानी दिल्ली होती थी ना, एकदम सेम टू सेम। और यहाँ हम आए हैं खाना खाने को, मेरा तो फर्स्ट टाइम, ये कपिल का फर्स्ट टाइम है। सो लेट्स सी वो कितना इन्जॉय करता है, और आप लोग भी इन्जॉय करो। चलो, we will suggest you some places. लोटस टेम्पल, अगर पीछे दिख रहा होगा देखो, वरना फोटोज और वीडियोस तो डालेंगे हम। तो अभी यहाँ पर आए हैं, यहाँ से दिन की शुरुआत हुई है। लुक्स ब्यूटीफुल फ्रॉम आउटसाइड, अंदर जाके देखते हैं क्या है, एंड होपफुली हम शूट कर पाए। तो चलो आपको भी दिखाते हैं।
पीछे तो देखो। हाँ तो कुतुब मीनार आ गए हम लोग। ही हायर्ड अ गाइड एंड उनने हमको पूरी हिस्ट्री हिस्ट्री बताई, हमारी बहुत प्यारी फोटोज ली हैं एट डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। उसके बाद हमने भी हमारी ली हैं फोटोज एंड वीडियोस, सो वो शॉर्ट्स एंड एवरीथिंग विल बी अपलोडिंग। उसके अलावा हम लोग आए लोटस टेंपल से। लोटस टेंपल में अंदर जो हम गए थे वो अलाउड नहीं था, तो हमने कुछ वीडियोज़ नहीं लिए। वहाँ था मेडिटेट करने का, इट वॉज़ रियली नाइस। तो अभी वहाँ से हम डायरेक्ट आ गए हैं कुतुब मीनार। और यहाँ लोटस टेंपल में मेडिटेशन तान्या ने बिल्कुल नहीं किया है। तान्या को लिटरली टेप मार के चुप करा के बैठाना पड़ा था क्योंकि वो चुप नहीं हो रही थी। तो अभी ठीक है, नहीं होती इतनी शांति यार, ठीक है। बट अभी हम थोड़ा सा इधर उधर देखेंगे एंड देन लेट्स सी हम कहाँ जाते हैं। बट द हिस्ट्री इज रियली नाइस। तो आप यहाँ आओगे ना तो गाइड जरूर लेना टू नो द हिस्ट्री एंड एवरीथिंग। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत कुछ बताया इधर लोगों ने। हाँ जी, अभी हम बताने लग जाएंगे तो आप लोग बोर हो जाओगे ना, इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा फिर, है ना। तो चलो आप लोग यहाँ आओ, देख लेना। बाय। राजपथ के आसपास थे, यहाँ से राष्ट्रपति भवन देख रहे हैं, लेकिन हमने सोचा थोड़ा और पास से देख लेते हैं। अंदर जाना तो बंद है, अभी क्लोज है। तो दैट इज समथिंग वी हैव टू रिसर्च ऑन, बट एनीवेज हमको तो बाहर से दिखता था, देखते हैं इतना पास जाए। तो राष्ट्रपति भवन देखते हैं फिर आगे का देखते हैं क्या करते हैं। दिख नहीं रहा होगा, बहुत छोटू सा दिख रहा होगा, लेकिन हाँ पास में ही है। चलो चलो। हाँ जी, हम लोग वहाँ से लेके यहाँ तक चलते हुए आए हैं। दैट मीन्स राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक हम चल के आए, वरना रिक्शा वाले आपको 100 रुपीज़ चार्ज करेंगे। बट यार वॉक कर लो बेटर है, सीधा सीधा ही रास्ता सामने इंडिया गेट दिखता तो मोटिवेशन मिल जाती है, आ जाता है इंसान। पर है लंबा, अंडर पास से इंडिया गेट के करीब जा सकते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग, बहुत ज़्यादा रश है। और जो हमें पिक्चर्स वीडियो सब लेना था हमने यहाँ से ले लिया है, देख भी लिया है इंडिया गेट को। और पढ़ाई लिखाई तो पहले ही कर ली थी हमने हिस्ट्री की, तो जरूरत ज़्यादा है नहीं। सो वी आर नॉट गोइंग देयर, अब हम जा रहे हैं अपने रूम पे आराम करने को। पैरों की मैं पैर आज तान्या मालिश करने वाली है पैरों की, और आप मेरी। हाँ सर, बहुत टाइम लग चुकी है यार पैरों की, सो हम चले रूम पे आराम करने को। Till then you keep watching India again. काफी शॉपिंग की है।
चल रहा है, काफी शॉपिंग कर लिया है, सो मच फन सब कपिल ने दिलवाया है भाई। आवाज आ रही होगी नहीं हो रही है, और मैं इसके बाद दिखाऊंगा कि अपनी दिखाने की जगह नहीं हो रही है। यस बहुत और काफी पैसा नहीं खर्चा हुआ ज्यादा, तो अच्छा लग रहा है यार, शॉपिंग बहुत कर ली। एग्जैक्टली बहुत अच्छे अच्छे प्राइस में सब कुछ मिल गया। अब हम चले वापस अपने रूम पे, थोड़ा आराम करेंगे फिर जाएंगे सिटी। चेकआउट मारना है, फिर ट्रेन पकड़नी है। कल से हम थोड़े ऑफ थे सरोजनी के बाद, क्योंकि फैमिली के साथ डिनर विनर था, और तब हम लिटरली फ़ोन वोन पे एकदम कम थे क्योंकि थक भी गए थे। सो वी डिडंट व्लॉग मच, बट इट वाज रियली फन, काफ़ी मज़ा आया डिनर में। देन आके जो हम सो गए ना भाई, बाप रे, और सुबह से पैकिंग में ही लगे हुए हैं। बट वी जस्ट वॉन्टेड टू विजिट बंगला साहिब, हम लोग का रह गया था। सो फटाफट हम आ गए हैं, अभी हम फटाफट अपने रूम में जा रहे हैं। सो वी आर एंडिंग आवर व्लॉग हियर, एंड आई होप यू गाइज इन्जॉय द दिल्ली व्लॉग। लीव द कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, शेयर करो वीडियो एज मच एज पॉसिबल, एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल। वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू व्लॉग, एंड आई होप कपिल को कुछ नहीं बोलना है। मेरे को कुछ नहीं बोलना, पैकिंग टिप है, लड़की के साथ आओ तो 4 बैग एक्स्ट्रा लाना सरोजनी के लिए। चलो बाय कमीने।